क्या हाल है मेरा लाल। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 की, है ना। तो ऑनलाइन जो क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 की, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी हम लोग गूगल मीट पे मिले, इस क्लासेस के बारे में समझा और अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद भी हम लोग गूगल मीट पे मिलेंगे और गूगल मीट पे मिल करके जो भी आज मैंने पढ़ाया उसमें जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैं आपको कैलकुलस से स्टार्ट करूंगा और कैलकुलस से स्टार्ट करके जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे पहले वो पढ़ाऊंगा। सिलेबस आपकी 30% रिड्यूस हो गई, आपको पता है, ठीक है। तो मैं पहले फुल सिलेबस जो रिड्यूस हो गया उसको कवर करूंगा, उसके बीच में अगर कोई नया अपडेट आता तो फिर हम लोग देखेंगे, है ना। तो मैं फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन से, तो आप लोग बोर्ड पे बढ़िया समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, समझिएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। बच्चा, मेरा डिफरेंशिएशन जो होता है वो कैलकुलस का ही पार्ट है, ठीक है। कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। 11th में हम लोग जो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पढ़ा वो सिर्फ बेसिक्स था, वो आपको याद रखना है। मैं फिर से उसी चीजों को पढ़ा रहा हूं, आप इसको बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि बेसिक के बिना आप आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। पूरा कैलकुलस इसी बेसिक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए बेसिक्स को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, समझते हैं आगे। डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, बोलता है द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। किसी चीज में कितने स्पीड से चेंज आ रहा है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कितने स्पीड से किसी चीज में चेंज आ रहा है, यानी बेसिकली हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की। यानी डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है जी, रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर कितनी स्पीड से चेंज आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करते हैं किसमें, डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं dy/dx से। कैसे डिनोट करते हैं जी, dy/dx। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग वाई With respect to x, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के। ये y है और ये x है, किसी y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कहलाता है dy/dx। अब आते हैं dy/dx यानी डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है बोलता है क्या, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बोलता है कि अगर x के पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x का पावर n, पावर में n है, n की जगह 2 4 5 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, अगर x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, n x का पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक और सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर हम x का पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा n x का पावर n माइनस 1, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे, समझिएगा बड़े बढ़िया से। बोलता है कि जैसे मान लो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, y बराबर कहीं पे दिया हुआ है x का पावर 2000, पहले हम देखते हैं x का पावर 10। जब आप इसको dy/dx करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, 10x का पावर 9। पावर आके मल्टीप्लाई हो गया, पावर एक घट गया, 10 आके मल्टीप्लाई हुआ, 10 में 1 घट गया तो बचा 9, यानी 10x का पावर 9 मेरा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का आंसर। मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है y बराबर x का पावर 220, अभी 2020 चल रहा है, कोरोना का काल, ये पूरा 2020 हमारा कोरोना काल है, तो इस कोरोना काल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कोरोना काल को डिफरेंशिएट करके हम लोग कहां चले जाते हैं, समझिए, ये x का पावर 220 को जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 220 आके मल्टीप्लाई होगा और x का पावर 220 माइनस 1 यानी 219, जो कि बहुत अच्छा साल था। तो हम लोग 2020 को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो 2019 में चले जाएंगे। मैथ्स में तो पॉसिबल है बट ये हमारे जनरल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम वो मैथ्स में कर सकते हैं तो चलो इसी से इत्मीनान कर लेते हैं। काश ये 2020 आया ही नहीं होता, 2019 रहता अच्छे से, और आता भी तो फिर अच्छे से आता है। खैर आगे बात करते हैं, मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हो वाई बराबर एक्स रूट एक्स। बच्चा मेरा रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स का पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जब आप इसको dy/dx करेंगे तो पावर आके मल्टीप्लाई होगा, पावर एक घट जाएगा, हाफ माइनस वन,
हाफ माइनस वन का मतलब क्या होता है, वन बाई टू एक्स का पावर माइनस हाफ, हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी इसका बेसिक मतलब क्या हो गया कि जब हम dy by dx करेंगे रूट एक्स को तो हमको क्या मिलेगा, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1 by 2 रूट एक्स। ये याद रखिएगा, कहीं भी रूट एक्स आएगा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by 2 रूट एक्स, ये हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोल रहा है कहीं पे ऐसा दिया हुआ है वाई बराबर वन बाई एक्स का पावर सेवन। ठीक है, ये नीचे में पावर है x का पावर 7, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर x का पावर माइनस 7। ठीक है, जब ये माइनस 7 हो गया, जब हम इसको dy by dx करेंगे तो ये x का पावर माइनस 7 आगे मल्टीप्लाई होगा, पावर एक घटेगा तो x का पावर माइनस 7 माइनस 1 यानी कितना आ गया माइनस 7 x का पावर माइनस 8। अब बच्चा ये माइनस 8 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7 बटा x का पावर 8, है ना। माइनस एट नीचे जाता तो प्लस हो जाता है और ऊपर आता तो क्या होता है फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, 1 बाई एक्स का पावर 7 का माइनस 1 बाई माइनस 7 बटा एक्स का पावर 8 हो गया। ये सिंपल डिफरेंशिएशन सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये जो पहला फॉर्मूला मैंने बताया था इस पर मैंने आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। और कुछ क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं फिर और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमने समझा और फॉर्मूला समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, बच्चा साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है कॉस एक्स। उसी तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस साइन एक्स। उसी तरह से जब आप टैन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, याद रखना है आपको कि जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स को करते हैं माइनस साइन एक्स आता है, टैन एक्स को करते हैं सेक स्क्वायर एक्स आता है। इसी तरह से जब आप सेक एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो आएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, इसी तरह से जब हम कॉटेक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से जब हम कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है सारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये 11 में ही पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर से पढ़ रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। बोलता है कॉसेक एक्स का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद जब हम बात करेंगे लॉग एक्स का, लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा कितना आएगा बच्चा 1 बाई एक्स। इसी तरह से जब आप e के पावर x को x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा वही आ जाएगा e का पावर x। इसी तरह से सेम तरीके से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे a के पावर x को x के रिस्पेक्ट में, देखो ये a तुम्हारा कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट पे पावर x है तो ये क्या आएगा a का पावर x log a। और अगर कहीं पे आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाता है, ये याद रखना है। ये सारा बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट आपको यहां भी याद रखना है, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपको क्योंकि इसी पे पूरा कैलकुलस बेस्ड है। अगर आपको ये याद नहीं है तो ना इंटीग्रेशन बनेगा, ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ना एप्लीकेशन बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए आपको ये याद रखना कंपलसरी है। ठीक है, आगे समझते हैं। बोलता है बच्चा ये तो हो गया फॉर्मूला, अब इस पे कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं। बोला है जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, जब हम इसको dy by dx करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा पावर आके मल्टीप्लाई होगा, है ना, पावर आके मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 4 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब कहीं पे मान लो ऐसा दिया हुआ है, मान लो कहीं पे दिया हुआ है 3 cos x y बराबर 3 cos x माइनस 4 e का पावर x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आप इसको dy by dx करेंगे बच्चा 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, और e का पावर x का क्या होता है e का पावर x, 4 तो कोफिशिएंट है जैसे वैसे रह जाएगा, e का पावर x का क्या हो जाएगा e का पावर x। और मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर 3 tan x माइनस 5 log x प्लस
मान लो दिया हुआ है 3 का पावर x, ये 3 पहले लिख चुके हैं, 7 tan x माइनस 5 log x प्लस 3 का पावर x, देखो ये वाला a का पावर x वाला, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, tan x को डिफरेंशिएट, ये कोफिशिएंट है, जब कांस्टेंट होगा, जैसे यहां कांस्टेंट था तो 0 हो गया, यहां कोफिशिएंट है वैसे लिख देंगे, tan x का डिफरेंशिएशन देखेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, sec स्क्वायर x लिख देंगे, log x का क्या होता है 1/x, तो 5/x, e का 3 का पावर x, 3 का पावर x का क्या होता है बाबू, 3 का पावर x log 3, यानी a का पावर x log a होता है, तो a का पावर x log a, तो 3 का पावर x log 3, ये मेरा हो गया आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जो लोग पढ़े हैं उनको ठीक है, जो लोग 11th नहीं पढ़ पाए हैं या अच्छे से आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो रिवाइज कर लें, ये सब 11th का ही है, मैं तो इनिशियल से पढ़ा रहा हूं आपको, इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कहीं पे तुमको ऐसा दिया हुआ है y बराबर 3 cot x माइनस 5 sec x, ऐसा दिया हुआ है, जब इसको dy by dx करेंगे, 3 जैसे वैसे cot x का क्या होता है जी, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का क्या होता है, sec x into tan x, आंसर हुआ। इस तरह का कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको बना के दिखाना है मुझे, अभी क्लास में आप क्या करेंगे, मैं जब भी पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे, आप उसको रोक रोक के वीडियोस को नोट करेंगे कॉपी में, नोट करने के बाद ग्रुप में व्हाट्सएप पे सेंड करना है, समझ में आ रही है बात, ग्रुप में जो आपने नोट किया कॉपी की फोटो क्लिक करके हर लोगों को सेंड करनी है, ताकि आपने पढ़ा इसकी निशानी मुझे कॉपी पे दिखनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना करके साथ में भेजेंगे, ठीक है, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बाद में फिर मैं होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, अभी फिलहाल मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये आपका क्लास वर्क ही है, ठीक है, अभी मैं जितना पढ़ाया उसको आपको बनाना है। कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है y बराबर 7x³ माइनस 3x² प्लस 2, y बराबर 10x का पावर 5 माइनस 1/x² प्लस 7, y बराबर 3 cos x माइनस 5 साइन एक्स, ठीक है, वाई बराबर 3 sec x माइनस 7 cosec x, ठीक है, इसी तरह से कहीं पे दिया हुआ है 5 log x माइनस 3 e का पावर x, कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इतना बनाइए, इतना भी कॉपी में बनाइए, नोट के साथ ये जो नोट किया आपने उसके बाद ये क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे और फिर उनको व्हाट्सएप पे भेजना तो है ही आपको, है ना। और आगे देखते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं, अब देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यू इंटू वी का केस देखते हैं, कि अगर यू और वी दो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो कैसे करते हैं, समझिएगा, बोल रहा है कि अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी डीएक्स, बच्चा मेरा ये डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी डीएक्स दिया हुआ है मेरे पास, ये जो डी यू यू इंटू वी डीएक्स आपके पास दिया हुआ है इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू को छोड़ देंगे, ठीक है, यू को हमने छोड़ दिया, वी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस वी को छोड़ देंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, आप किसी एक को भी छोड़ सकते हो, किसी एक को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले यू को छोड़ सकते हो, वी को डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर प्लस का साइन, फिर वी को छोड़ सकते हो, यू को डिफरेंशिएट कर सकते हो, बेसिकली करना क्या है, एक को छोड़ना है, एक को डिफरेंशिएट करना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, देखो यू और वी दो है, एक को छोड़ना है, एक को तोड़ना है, तोड़ना मतलब डिफरेंशिएट करना, एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे, जिसको तोड़ा उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ा उसको तोड़ेंगे, सिंपल सा है, समझ में आ रहा है बात, याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, जिसको छोड़ा एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे, जिसको तोड़ा उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ा उसको तोड़ेंगे, ना आसान है। क्वेश्चन देखते हैं इसे, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ वाई बराबर एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये यू है और ये वी है, दो टू मल्टीप्लाई में है ना बच्चा, एक यू और एक वी दो मल्टीप्लाई में है, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, हम dy by dx निकालेंगे, x क्यूब को हम छोड़ देंगे, किसी एक को भी छोड़ सकते हैं, tan x को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर हम जिसको देखो इस tan x को भी हम तोड़ रहे हैं, यानी डिफरेंशिएट करें, इसको छोड़ देंगे, tan x को हमने छोड़ दिया, इसको तोड़ेंगे, यानी x क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बच्चा मेरा ये x क्यूब जैसे वैसे रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x क्यूब यहाँ पे tan x जैसे वैसे रहेगा,
और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x square, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा, बहुत आसान सी चीज है, u इंटू वी, एक को छोड़ना है एक को तोड़ना है, जिसको तोड़ा उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ा उसको तोड़ेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ ऐसा रूट एक्स इंटू, ऐसा देखते हैं कहीं पे ऐसा दिया हुआ है y बराबर रूट एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है रूट एक्स इंटू सेक एक्स दिया हुआ है, डीवाई बाई डी एक्स करेंगे बच्चा क्या हो जाएगा, रूट एक्स को छोड़ देंगे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है फिर बीच में प्लस का साइन, अब क्या करेंगे सेक एक्स को छोड़ देंगे, रूट एक्स का क्या होता है जी 1/2 root x, बताया मैंने अभी आंसर हो गया, कुछ करना नहीं है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनता है, ये डायरेक्ट बन गया, ठीक है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप पहले सीखेंगे, लेकिन यूज जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, यही क्वेश्चन छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पहले छोटा क्वेश्चन करना आप आसानी से सीख जाएंगे, तो बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और समझते हैं, जैसे मान लो कहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ वाई बराबर ई का पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, बच्चा मेरे यू इंटू वी का क्वेश्चन है, ई का पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है क्या करेंगे हम लोग, जब हम इसको डीवाई बाय डी एक्स करेंगे, ई का पावर एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग एक्स को छोड़ देंगे और ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स बटा एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, अब log x को छोड़े हुए हैं, e के पावर x का क्या होता है खुद e का पावर x, कोई चेंज तो होता नहीं है, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, ये मेरा हो गया आंसर। समझ में आया, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं अभी बनाइए कॉपी पे, ये होमवर्क नहीं है, होमवर्क अलग से देंगे, अभी कॉपी पे बनाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, बोला है y बराबर x का पावर 5 इंटू cos x, y बराबर रूट एक्स इंटू टेन एक्स, और y बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये अभी आप कॉपी बना के दिखाइए, ठीक है, और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा हमको। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं u इंटू वी, यानी u इंटू वी तो हम लोग देख लिया, अब हम देखेंगे u बाई वी, ठीक है u बाई वी क्या होता है, यानी डिवाइड में रहेगा तब क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, बोल रहा है कहीं पे ऐसा दिया हुआ है u बाई वी डी एक्स, ठीक है बच्चा मेरा, कहीं पर भी क्वेश्चन में दिया हुआ u by v dx, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, देखो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, यानी नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, तो हम सबसे पहले v को छोड़ेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि माइनस लगाना है, ठीक है, इसलिए हमने v को छोड़ा, u को डिफ्रेंशिएट किया माइनस, अब क्या करेंगे u को छोड़ेंगे v को डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है किसका, u बाय v का, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर नीचे वाले को छोड़ देना है, यानी v को छोड़ दिया, u को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस क्या करेंगे कि आप u को छोड़ेंगे v को डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्लियर होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर sin x बटा x क्यूब, साइन एक्स बटा एक्स क्यूब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब आप इसको डीवाई बाई डी एक्स करेंगे बच्चा, तो डीवाई बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा कि हम सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ते हैं, एक्स क्यूब को छोड़ देंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन, अब साइन एक्स को छोड़ देंगे और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई वी का, यानी नीचे वाले का स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला पे, सिर्फ यू वी, इसको यू लिख लो, इसको वी लिख लो और फॉर्मूला पे यू वी की जगह पे सेट कर दो, ठीक है आसान सी चीज है। अब एक्स क्यूब को तो हमने छोड़ दिया है, साइन एक्स का क्या होता है जी कॉस एक्स, अब हमने एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स को छोड़े हुए थ्री एक्स स्क्वायर, साइन एक्स को तो हमने छोड़ा हुआ है, साइन एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाई ये पावर हो जाएगा एक्स का सिक्स, आंसर होगी, कितना आसान है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को निकाल के काट देंगे, वो आपका काम है, ठीक है ना, समझ में आया कैसे बन रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स बटा लॉग एक्स, एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग साइन एक्स बटा लॉग एक्स, तो क्या करेंगे बच्चा, जब dy by dx करेंगे v कौन है log x, मेरा v है, तो हम log x को सबसे पहले छोड़ देंगे, फिर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन, अब साइन एक्स को छोड़ देंगे log x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, ठीक है समझ में आ रही बात।
तो क्या हो जाएगा यहां से, log x तो हमने छोड़ दिया है, sin x का क्या होता है cos x माइनस sin x को हमने छोड़ दिया है, log x का क्या होता है 1 by x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। ये x यहां LCM हो जाएगा, x log x इंटू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी बनाइए कॉपी पे और साथ साथ व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा बना करके। ठीक है, क्वेश्चन है, बोल रहा है y बराबर tan x बटा x का पावर 5 और y बराबर e का पावर x बटा cos x। ठीक है, सिंपल सा दो क्वेश्चन है, इसको बनाइए। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, हमने आज बेसिक फॉर्मूला पढ़ा डिफरेंशिएशन का, u into v यानी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा और डिवाइड का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे चेन रूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन चेन रूल पढ़ने से पहले ये जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको याद होना चाहिए, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, आपको ये होमवर्क बनाना है, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो या फिर से सॉल्व कर रहे हैं आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, इसका स्क्रीनशॉट है ऐसे मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कल क्लास होने से पहले अपने नाम के साथ व्हाट्सएप पे भेजना है ग्रुप में। ठीक है, याद रखिएगा ग्रुप में आपको सेंड करना है बना करके, नहीं सॉरी ग्रुप में आप सेंड नहीं करेंगे, आप मुझे सेंड करेंगे, क्योंकि आप जब ग्रुप में सेंड करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे, होमवर्क हमेशा मेरे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्ट सेंड करना है, ठीक, ग्रुप में सेंड नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा कि एक आदमी बना के भेजेगा बाकी लोग कॉपी कर लेंगे, बहुत तेज है आप लोग, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं कल न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।